I'm a big fan of Rajinikanth. When I saw Rajinikanth, that was a pillar. After that, still I'm Rajinikanth fan. No Vijay, no Ajit. Only one superstar. That is a Superman. That's Rajinikanth. Taleva. He's a power. He's a world superstar. No Amitabh, only Rajinikanth. And how much excitement is for Darbar movie? Darbar movie? Excitement. Yeah, yesterday I never sleep. After last 1 month, I never sleep because of movie, Rajinikanth. Yeah. One word to Rajinikanth. What? You want dialogue? One word? Yeah. Which dialogue you want? Any. I am an original villain, okay? I am a bad cop. This is another port in India. Not in India, in the world too. People love him. Most love him. People are eager to him. Eager to see him. That's the Rajinikanth. With the flame comes every year. We love to see. We love him. Because only one thing, lot of people love him, and the dressing language, the language of the speaking, the stylist, the speaking of the eye, all other things, we love him. It's amazing. Lot of amazing crowds here, so how much excited are you for Darbar movie, and any of your favorite dialogue you want to see? Only one dialogue. The Darbar means we are the welfare for him. The Darbar means the welfare for him. The Darbar means the welfare for him. Yes, definitely. தலைவர் கிட்ட லெஃப்ட்ல வச்சுக்கோங்க ரைட்ல வச்சுக்கோங்க ஆனா ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்காதீங்க அன்றும் இன்றும் என்றும் சூப்பர் ஸ்டார் என்னைக்குமே தலைவன் தான் ஒரே பூஜை ஒரே சந்திர சூப்பர் ஸ்டார் மட்டும் தான் தலைவா तलेवर के हम बहुत बड़े फिट बिग फैन हैं और इस हिसाब से तमिल बोल सकती क्या ऑल ओवर मुंबई में फर्स्ट टाइम 70 फीट कट आउट है ये देखे होंगे शायद और इसी तरह 70 साल के हो चुके हैं आज भी नहीं लगते 70 के है करके 70 है बोलने का नाम नहीं है 70 के हिसाब से 70 फीट का कट आउट और 70 का हम लोग मतलब फंक्शन 70 मिनट फंक्शन 70 सेलिब्रेशन और 70 कट आउट इस तरह का हर चीज़ 70 में लगा के हम लोग बहुत हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से तलेवर को इतना बड़ा इनॉग्रेशन फंक्शन और देखना नहीं चाहते हम मतलब बिग फैन ऑफ मुंबई ऐसा दिखाना चाहते हैं और हम है दिखाना नहीं हम लोग है बिग फैन ऑफ मुंबई तलेवर ये पूजा वगैरह क्या हुई अगर आप थोड़ा बता दें हाँ आज हम लोग पोंगल रखे हैं ये है पोंगल है जो शुभ काम है जो है कि शुभ काम के लिए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद अभी पालाभिषेकम यानी कि दूध का फिर वो भी रखेंगे अभी और उसके तरफ से हमारा सबसे बड़ा बिग फैन काला अरुण तो है कि उधर आ रहे सेरेमनी का मीडिया अट्रैक्शन है सबसे बड़ा मीडिया अट्रैक्शन है वो वहाँ पे आ रहे हैं बस बोल नहीं सकते एंजॉयमेंट कर रहे हैं वी ऑल आर एंजॉय वी ऑल आर एंजॉय इट इतना कुछ अभी पता नहीं थैंक यू और रजनीकांत के लिए मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे तलेवा लेट मतलब पिक्चर सॉन्ग के लिए
लेकिन रजनीकांत फैंस क्लब के सर पे 70 फिट्स का कटआउट आज इस दरबार प्रोग्राम में लगा है। फैंस लोग इतना खुश है, आज हमारा भगवान है रजनीकांत। फैंस इतना मॉर्निंग में कोई मूवी अगर 8 बजे का भी प्रोग्राम रहेगा ना, पब्लिक आने को ये होता है, लेकिन आज 4:30 बजे पब्लिक इतना क्राउड है कि हमारा तलेवा को पिक्चर मूवी देखने के लिए 4 बजे से फैंस लोग इधर आ गया। ताना, मुमरा, मलाड, पुणे से बहुत सारा पब्लिक्स लोग आए हुए कि ये पिक्चर मूवी देखने के लिए, तो वी विल सक्सेसफुल दिस मूवी। थैंक्स। एक्साइटमेंट लेवल का तो बात कुछ अलग ही है हमारा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इंडिया में, महाराष्ट्र में नहीं, इंडिया में भी किधर भी 70 फीट का आज तक कटआउट नहीं लगा हुआ है। उनका उनका एज को हम लोग ये नज़र पे रखते हुए उन्होंने 70 फीट का कटआउट लगाया हुआ है, तो इससे ज़्यादा हमारे लिए और एक्साइटमेंट क्या हो सकता है। छोटा सा प्रोग्राम होगा, एक लैंप चलाएंगे लोग, अभी उद्घाटन करेंगे, उसके बाद शो चालू होगा। यहाँ पे हाई डोनेशन कैंप के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पे 70 फ्री मतलब सर्जरी से लेके ट्रीटमेंट से लेके आई ट्रीटमेंट से लेके सब चीज़ वहाँ यहाँ पे बताया जाने वाला है। फिर उसके बाद शो चालू होगा, फिर उसके बाद तो शो के अंदर, थिएटर के अंदर जो होने वाला है उसका अंदाज़ा लगाओ ही मत, बहुत धमाल होने वाला है थिएटर के अंदर। थैंक यू। तलेवर जो है 70 साल में अभी जो कर रहे हैं उनके जो उम्र है, तो ये पुलिस का कैरेक्टर मुझे देखने बहुत सालों के बाद दिख रहा है, क्योंकि हम बचपन में मेरे पापा दिखाए थे कि पुलिस कैरेक्टर में, अभी हमारा ये भी जनरेशन है, हम भी देख सकते हैं तलेवर को, इतने बहुत अच्छे काम किए, बहुत मेहनत किए हमारे जो तलेवर ने, और इसमें देखना है कि तलेवर असली के पुलिस है या विलेन है, उसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और देख के हम बताते क्या होने वाला है, क्या होता है। ठीक है, नहीं हम लोग हर साल तलेवर का जो पिक्चर आते हैं हम कुछ डिफरेंट ही करते हैं तलेवर के लिए, ताकि कोई और नहीं कर सके, क्योंकि हमारा जो तलेवर रसीगर फैन है ना, वो कोई भी और कोई फैन नहीं हो सकता है, सिर्फ रजनीकांत सुपरस्टार रजनीकांत के फैन ही ऐसे हम कर सकते हैं। कितना भारी है ये जो आपने पहना हुआ है, बता दें जरा। तलेवर जो फैन होते हैं ना, उसके लिए भारी हल्का वेट कुछ नहीं होता है, हम जो करते हैं दिल से करते हैं, उसमें कोई हमारा कोई वजन वगैरह कुछ नहीं पड़ता। नंबर 1 तलेवर है। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ, हम लोग का जो फैन क्लब है, हम लोग सांता क्लॉज़ से बिलोंग करते हैं, सुपरस्टार रजनीकांत फैन क्लब शंकरधाम से, तो एक्साइटेड तो रहता है, ये वेट करते हैं हम लोग दिवाली से पहले कि रजनीकांत का पिक्चर रिलीज होए, ताकि हम लोग सब साथ आए, कि जितने लोग हैं हम लोग से साल में एक या दो ही बार मिलते हैं रजनीकांत की मूवी के टाइम, तो उतने एक्साइटेड है, तो उसके रात से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखें तलेवर का, और पता चलेगा कैसा रिस्पॉन्स है, तो एक्साइटमेंट है सबका। उन लोगों क्या कहना चाहेंगे आप लोग, मतलब बहुत दिन बाद रजनीकांत पॉप के अटायर में दिखने वाले हैं, बट क्या कहना चाहेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है आप लोगों को? सिर्फ तलेवर को देखने के लिए हम लोग इतना वेट कर रहे हैं, बस सिर्फ तलेवर का एक झलक, उसकी एक्टिंग, उसकी हरकत, सब कुछ, वो जो फिल्म में उतारते हैं, वो जो उसका मास्टरपीस जो उतारते हैं ना, वो चीज़ देखते हैं हम लोग, और उसमें हम लोग मदहोश हो जाएंगे अंदर का, तो तुम छोड़ दो, ओनली तलेवा के लिए आए ले, बस तलेवा ओनली रजनीकांत को।